देश में कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड बन चुका है। अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा कोरोना की वैक्सीन भारत में लगी है। लगातार सरकार की तरफ से वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। वहीं अलवर में पंचायत चुनाव के दौरान भी कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया नजर आई है। इससे ये बात भी साफ हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। मंगलवार को अलवर में पंचायत चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के तहत वोटिंग प्रक्रिया जारी रही, जिसके तहत तीसरे चरण में मतदाताओं के मतदान केंद्र पर वोटिंग से पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी। मतदाता भी खासे खुश नजर आए। वहीं स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन का कहना है कि मतदाता दोहरी जिम्मेदारी भी निभाते नजर आए। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी, जो दिन भर कामकाज में व्यस्त रहने के चलते अक्सर वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते अलवर में पंचायत चुनाव का तीसरे चरण के तहत मंगलवार को वोटिंग के दौरान बगड़ में पीएससी के तहत आने वाले मतदान केंद्र पर सभी मतदाताओं को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी, उसके बाद मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में चुनाव के दौरान अवकाश है, इसीलिए मतदाताओं को कोरोना की वैक्सीन लगाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत सुबह 8 बजे से पोलिंग बूथ पर आने वाले सभी मतदाताओं के कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही मतदान केंद्र पर आने वाले लोगों को मास्क दिया जा रहा है और वहां मौजूद स्टाफ उनका टेम्परेचर भी ले रहे थे। हमारे डॉक्टर हेमंत गोयल साहब जी का पहला टारगेट था कि यहाँ पे जितने वैक्सीनेटेड नहीं हुए बंदे, उनको मतदान के समय आने पे बहुत ज्यादा इकट्ठे लोग आएंगे, तो मतदान से पहले वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन का प्लान है, पहले वैक्सीनेटेड होने के बाद में मतदान हो, तो वैक्सीनेशन भी कवर हो जाएगी। लगभग जितने बचे हुए लोग हैं, ज़्यादातर फीमेल्स रह रही हैं, जो मतदान के समय वो आई नहीं थी वैक्सीनेटेड के समय, मतदान के लिए आ रही थी, वो वैक्सीनेटेड हो सके। कौन कौन लोग आपने प्रेरित कर रहे हैं इस टीम में? कौन कौन लोग प्रेरित? डॉक्टर साहब यमन गोयल जी, एएनएम सिस्टर, सीएचए, आशा सहयोगिनी, सभी इस टीम में लगे हुए, और बीएलओ साहब लगे हुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इससे कितना फर्क पड़ रहा है? कितने लोग वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो भी कहीं पूरा होगा एक तरीके से? हाँ जी बिल्कुल सर, होगा। शाम तक जितने वैक्सीनेटेड लगेंगे, जितने लोग आएंगे उतने कर पाएंगे, शाम 5 बजे तक वैक्सीनेटेड होगा। सर, हमने पहले से ही इनको प्रेरित करने के साथ साथ हमने ये लक्ष्य तय कर रखा था कि आज जो हमारा जो अवसर है मतदान का, हम इसका दोहरा फायदा उठाएंगे कि मतदान का मतदान हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे जो किसी कारण से जो बाहर गए थे मजदूरी के लिए, किसी कारण से आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज उनका छुट्टी का दिन भी है और मतदान का काम भी हो रहा है, तो हम दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इस बहाने से हमने ये प्रोग्राम भी हमने सेट कर रखा था। हम यहाँ आने से पहले उनको मास्क वितरित कर रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं, और साथ में उनका बॉडी टेम्परेचर भी नोट किया जा रहा है, और साथ में जो हमारी जो मेडिकल टीम है वो उनको बराबर से उनको वैक्सीनेशन काम लगातार कर रही है। ये क्या अच्छी है कि देश के लिए दोहरी भागीदारी मतदाता भी निभा रहा है आपके द्वारा? जी जी, मेवात में जो मतदान का प्रतिशत कम है उसको बढ़ने में सर, मेवात में जो एक प्रकार से अफवाह का जो माहौल से जो लोग किसी कारण से नहीं लगवा पा रहे थे, तो उनको हमने जागरूक भी किया है, डोर टू इवन हमने डोर टू डोर जाकर भी हमने टीकाकरण किया है, पर इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं लगवा पाए, किसी के कोई बहाना लगा के, कोई किसी बहाने से, पर आज हमने उनको प्रेरित के साथ साथ हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैडम है वो, और जो हमारे ब्यूरो सहायक हैं साथी हैं, वो लोग भी हमारे साथ साथ इसमें काम में सहयोग कर रहे हैं। इससे अच्छा फायदा मिल रहा है वैक्सीनेशन? जी जी सर, इससे क्या होगा, हमारा जिले का, हमारे ग्राम पंचायत का, हमारे तहसील का जो टीकाकरण का जो परसेंटेज है वो अप होएगा, ऐसी हमको उम्मीद है।